हेलो एवरीवन, सो मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ की, कभी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, कभी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और कभी आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैथ के। तो आप लोग एक प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो जो ही है क्लास ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट के नाम से, आप चैनल में जाके देख सकते हो ये चीज़। और भी वीडियोस आती रहेंगी, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं जिसमें सैम्पल पेपर्स वगैरह बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लेके आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए, सेमेस्टर वन के लिए, जो एनसीईआरटी के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना, प्लस आप लोगों को अगर और रीसेंट अपडेट्स चाहिए, जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। आपको ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हर एक बोर्ड के लिए, हर एक टाइप के एग्जाम के लिए रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर वन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। और जो ये कुछ बाद के क्वेश्चन हैं, जो कि आप देखोगे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बच्चों को डाउट होता है, बहुत पूछते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, यानी बच्चों आपको एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो और अब आप लोगों को लगता है यार पास होना भी मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, एडिशनल वाले स्किप कर सकते हो, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट ज़रूर करके जाओगे एनसीईआरटी के। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आप वीडियो टाइम से देख रहे हो या लेट भी देख रहे हो, अगर आप इस चीज़ के लिए डिटर्मिंड हो कि हाँ मुझे अच्छे ही मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अदरवाइज जो भी आपको दिखता है कि एडिशनल के क्वेश्चंस हैं, जो भी एडिशनल के हैं, वो स्किप कर देना अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बाकी क्वेश्चन ज़रूर करोगे। तो ये चैप्टर वन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनको ट्राई करना। डाइपोल वाले क्वेश्चन, टॉर्क वाले क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर टू, जिसके अंदर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और ये भी जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपके कंसेप्चुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, पहले वो भी देख लेना आप लोग, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है। प्लस केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी, मैंने बता रखे हैं। अब मैं उसके भी एनसीईआरटी के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद आपका कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, उसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इस बार सीरीज पैरेलल वाले आने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से उसे प्रैक्टिस करोगे। प्लस डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट, डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन कम्स योर चैप्टर नंबर थ्री, ईजी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मीटर ब्रिज अच्छे से कर लेना बच्चों, जो भी आपका किरचॉफ्स लॉ के बाद वाले टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ, दोनों लॉज, मीटर ब्रिज, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे पक्का ही पक्का। एंड उसके अलावा जो आप कर सकते हो, सिंपल ओम्स लॉ, और जो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला, अल्फा वाला, वो वाला टॉपिक भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर फोर, मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उसके अंदर ये टॉपिक्स आइए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कंसेप्चुअल के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है कि डायरेक्शन बताओ। यही काम होगा आपका चैप्टर नंबर सिक्स में भी, जो कि ईएमआई है, उस पर भी पहुँचते हैं। इसके एडिशनल अगर आप चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कुछ थोड़े टफ होंगे, तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन भी कर लोगे जो एडिशनल से अलग हैं, तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को अच्छा स्कोर करना है, तो आपको करने पड़ेंगे एडिशनल भी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर फाइव, चैप्टर नंबर फाइव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से ये क्वेश्चंस हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आपके चैप्टर नंबर फाइव के टॉपिक्स उड़ ही चुके हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस नहीं है, तो सारे ये क्वेश्चंस आप लोगों को वैसे भी करने होंगे, कोई भी बोर्ड के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बोर्ड है, बच्चे मैसेज करते हैं हमारे बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, बच्चों सारे बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं आप लोगों को। देन कम्स चैप्टर नंबर सिक्स, ईएमआई वाला चैप्टर है बच्चों। इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं, एक तो आपका लेंजस लॉ वाला फॉर्मूला, एंड एक ई इक्वल्स टू बी एल वी, जो कि आपका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला रहता है। और फिर आता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये चार टॉपिक हैं आपके बस,
इसके ऊपर ही फॉर्मूले आपके बन जाएंगे और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वाले, सिंपल कंसेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल वाले भी। देन कम्स ऑल्टरनेटिंग करंट, बड़ा चैप्टर है, अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो, तो ये गलती मत कर देना कि एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। बच्चे कुछ पूछते हैं कि हमें ये तो एक्सरसाइज का बता दिया, जो एग्जांपल्स भी होते हैं एक्सरसाइज से पहले वाले क्वेश्चंस, उसमें से एक भी नहीं छोड़ोगे आप लोग बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करोगे, लिखा हुआ स्पेशली डू ऑल एग्जांपल्स, तो वो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ज़रूर प्रैक्टिस करनी होगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अच्छे से बच्चों ये क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं क्लास 11th के भी जल्दी से अपलोड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लास 12th के लिए भी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, प्लेलिस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉलो करते रहो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।